मुरादाबाद के सोनकपुर स्टेडियम में जिम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मेयर विनोद अग्रवाल मौजूद रहे। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में आज उत्तर प्रदेश सरकार में खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने रामगंग विहार स्थित सोनकपुर स्टेडियम में जिम का उद्घाटन किया। इस जिम को 2019 में बनाया गया था, लेकिन किसी कारणवश इसका उद्घाटन नहीं हुआ था। इसी के चलते इसका फायदा खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रहा था। आज खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी ने मुरादाबाद पहुंचकर जिम का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित हुई है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही समय पर लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया और इसी के चलते कोरोना में मृत्यु दर घटी है और रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है और भारत दुनिया के कई देशों को कोरोना की वैक्सीन भी दे रहा है। देखिए, कोरोना काल एक ऐसा वो चला कि जिससे उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित। लेकिन अगर दुनिया के मानचित्र पे अगर कोरोना के ऊपर आप नज़र डालें तो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को उठा करके देख लीजिए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को उठा के देख लीजिए और बाकी दुनिया के अंदर अन्य देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी पॉपुलेशन को उठा के देख लीजिए, तो हम कह सकते हैं कि कोरोना काल के दौरान सही समय पर सही निर्णय लेना, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का जो सही निर्णय लिया, आज उसका नतीजा रहा कि 130 करोड़ देशवासियों के रहने के बावजूद भी हिंदुस्तान के अंदर कोरोना के मामले में मृत्यु दर भी कम, मरीजों की भी संख्या कम, रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा और आज हिंदुस्तान दुनिया के कई देशों को वैक्सीन भी दे रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम कोरोना को परास्त करेंगे, कोरोना को चुनौती के रूप में हम एक इसको अवसर के रूप में बदल के हम हिंदुस्तान को एक विकसित देश भी बनाएंगे और दुनिया का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। तो कोरोना काल के दौरान हिंदुस्तान के 130 करोड़ देशवासियों की सेवा भी हुई है, कोरोना को परास्त भी किया गया है और दुनिया के मानचित्र पे हिंदुस्तान के मान और सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का भी काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है और आज दुनिया के कई देशों में वैक्सीन भी देने का काम आज हमारा देश कर रहा है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की प्रेरणा और उनका स्नेह और आशीर्वाद रहा है। और अगर उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर 24 से 25 करोड़ पॉपुलेशन और इतनी बड़ी आबादी होने वाला प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा देश और अगर दुनिया के मानचित्र पर जाएँ तो इसे चार ही देश बड़े हैं, नहीं तो उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है पॉपुलेशन के मामले। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने कोरोना पे उन्होंने कंट्रोल किया, कोरोना को परास्त किया और आपने देखा होगा कि तमाम प्रवासी मजदूर हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, जो नेपाल के जाने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में जाने वाले हैं, उनको भी अगर पहुंचाने का काम संसाधनों के जरिए, सारी सुविधाओं के जरिए अगर किसी राज्य ने किया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की महाराज जी की सरकार ने किया है और उसको चुनौती के रूप में हम लोग उत्तर प्रदेश में भी स्वीकार किए हैं, कोरोना को परास्त भी किए हैं, यहाँ पर मृत्यु दर भी सबसे कम है और यहाँ पे रिकवरी रेट सबसे सर्वाधिक है और उस आधार पर हम कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनने की दिशा में अगर भारत सरकार से जो भी ग्रेडिंग मिलती है तो उसमें उत्तर प्रदेश का नाम प्रथम और दूसरे नंबर पे आता है। जो राज्य बीमारू राज्य के रूप में देखा जाता था आज वह सर्वोत्तम प्रदेश बनने की दिशा में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में चल पड़ा है और उसी परिप्रेक्ष्य में आपने कोरोना से जुड़ करके खेल विभाग की बात की तो सही बात है कि भारत सरकार की गाइडलाइन के परिप्रेक्ष्य में चूँकि जो एकल खेल है, जो सिंगल खेल है उसके लिए सब स्टेडियम खुले हुए हैं, लेकिन जहाँ कंबाइंड है तो कोरोना को देखते हुए जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसके परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से जो खिलाड़ियों की प्रतिभा है कोरोना कार्यकाल में वो कम हुआ है, तो उसको अब जैसे सरकार की गाइडलाइन होती है तो फिर पुराने ढर्रे पे आ जाएगा और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी देश और दुनिया में नाम रोशन करेंगे। लेकिन सरकार यहाँ टीटी हॉल बनने के लिए स्टेडियम में प्रस्ताव पारित कर दिया गया था 2019 में, उसका निर्माण अभी तक नहीं हो पाया। देखिए आप क्या एमडीए ने करा सर, एमडीए में मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसको कराने के लिए लिया और कराएगा। सर उधर मुख्तार अंसारी जो है पंजाब के, सर दूसरा यहाँ सरकार जाने आने नहीं दे रही है उनको, वहाँ
वहाँ की सरकार नहीं आने दे रही है, यहाँ की सरकार तो लाना ही चाह रही है, और चाहे कोई भी चाहे कोई भी अपराधी हो उत्तर प्रदेश के कोने कोने में, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी अपराधियों की कोई जगह नहीं है, या तो अपराधी जेल के भीतर होगा। देखिए ये कोर्ट का मामला है, लेकिन सरकार ला रही है, और जो भी गुंडा माफिया, देखिए किसी की फैमिली से कोई भी हो, अगर कोई अपराध जगत से जुड़ा हुआ है तो किसी के फैमिली के होकर के अपराध करने का अधिकार किसी को नहीं।